मेरे अति प्रियो प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप खुशी आनंद में हैं? हमारे लिए खयाल करने वाला और प्रेम करने वाला और हमें संभालने वाला एक परमेश्वर है, हमें देखने वाला एक परमेश्वर है, तो हमें क्यों कर चिंता करना है। हमारे आने और जाने सारी बातों में वो रक्षा करता है और हमारे साथ रहता है। परमेश्वर आज वादा करता है, नीति वचन तीसरा अध्याय 26 वचन में, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांवों को फंदे में फंसना ना देगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमारे पांवों को किसी भी फंदे में फंसने ना देगा, हमारे पैरों को फंदे में कभी वो फंसने नहीं देगा। आपको मालूम है फंदा का मतलब? जो आंखों में ना दिखने वाला एक जाल। मनुष्य लोग हमारे विरोध में कार्य करते में पता नहीं चलते, हमें फंसाने के लिए वो चाहते, फंदे के समान हमारे पैरों को फंसा के हमें गिराना चाहते, हमें वो नाश करने के लिए चाहते। चारों तरफ का इस प्रकार लोग हमेशा कोशिश करते हैं। क्या आज आपका जीवन का हालत इस प्रकार है, फंसने के समान है? तो परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। यीशु मसीह आपके सारे बंधन से छुड़ाने वाले। कभी कभी आपको मालूम है जानवर को पकड़ने के लिए इस प्रकार जाल बिछाते हैं और फंदे में लगाते हैं ताकि कोई जानवर या कोई पक्षी और किसी भी बातों को पकड़ने के लिए वे फंदे रखते हैं। उन दिनों में स्कूल की छुट्टियों में गिलहरी रहता है ना, उसको हम फंदे लगा के पकड़ते हैं। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। उस गिलहरी को आसान से हम नहीं पकड़ सकते, इसलिए क्या करते हैं, मिट्टी को खोद के उस फंदे को नीचे रख देते हैं और गाय के वो पूंछ के बालों के द्वारा उस फंदे को हम बनाते हैं ताकि किसी के नजर में दिखाई नहीं पड़े। धान को थोड़ा से भूंजने से एक सुगंध आता, उसके द्वारा गिलहरी जो है नीचे उतर कर आता, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर जाल बिछी हुई है। वो उस सुगंध के लिए वहाँ पर खाने के लिए आ जाता, बुरी तरीके से उस फंदे में फंस जाता है। उस जाल में जिंदा गिलहरी पकड़े जाते हैं, वो कभी भी बच नहीं सकता, वहाँ से निकल नहीं सकता। इसी प्रकार शैतान भी हमारे जीवन में हमें फंसाने के लिए चाहता, आंखों की अभिलाषा के द्वारा, शरीर की अभिलाषा के द्वारा, किसी भी और गुस्सा दिलाने के द्वारा। यदि आपको गुस्सा आने के द्वारा आपके मुंह से कुछ न कुछ गालियां निकल जाते हैं ना, उसके द्वारा शैतान आपको उस फंदे में फंसाना चाहता। इस प्रकार शैतान किसी न किसी माध्यम से हमें गिराने के लिए, फंसाने के लिए जहां आप रहते हैं, जहां सेवा करते हैं, किसी न किसी ढंग से वो आपको फंदे में फंसाना चाहता। लेकिन प्रभु कहता डरना नहीं। परमेश्वर को खुद पता है कहां पर जाल बिछी हुई, जहां पर फंदे हैं, तो परमेश्वर आपको चारों तरफ से सुरक्षित करेगा। सारे फंदे में से परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। आप क्यों चिंता करते हैं? आप ये समझते हैं ना, मेरे काम में फंसाना चाहते हैं, जहां पर रहते हैं मुझे गिराने के लिए चाहते हैं, फंदे पर फंसाते हैं। तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे संग हूं। एक प्रभु का दास इस प्रकार वो प्रार्थना करता, प्रभु ने मुझे सारे फंदे में से बचा के सुरक्षित किया। ऐसा परमेश्वर है तो आपको चिंता नहीं करना। कलवारी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सारे जाल को नाश किया। परमेश्वर आपको विजय को देगा, खुशी के साथ रहेंगे। आज परमेश्वर से हम कहेंगे, हे प्रभु, शैतान के सारे फंदे में से तू हमारी रक्षा करता है, हमारी तू सुरक्षा करने के लिए तू मेरे साथ रहता। स्तुति वो यीशु के नाम में, आमीन आमीन।